हाय गाइस, वेलकम टू रोशनी रॉस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग मुझे जरूर बताना। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत लोग इस प्रॉब्लम को जो है फेस करते होंगे। एंड जैसे कि आप दूसरों के चैनल पे जाके देखते हैं, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। सो अगर आप दूसरों के चैनल पे जाके देखते हैं, वो आपको इतने सारे चीज़ें बता देते हैं कि आप ये भी खरीदो, आप ये भी खरीदो, आप ऐसे भी खरीदो, आप वैसे भी खरीदो, जो कि आम लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप कैसे जो है नकली पलके, जी हाँ दोस्तों, आप नकली पलके, नकली जिसे बोलते हैं फेक आई लैशेस, उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरे चैनल पे जो है मैं आपको बहुत ही सीधी सिंपल चीजें बताऊंगी। आपको कुछ नहीं लेना है, जस्ट आपको लेना है एक फेक आईलैश, एक लेना है ग्लू। ये मैंने खरीदा है सिर्फ 20 रुपीज, और 10 रुपीज में मुझे याद नहीं है, बट हाँ ये 20 रुपीज का जो है आपको मिल जाएगा मार्केट में कहीं भी। ये मैंने 50 रुपीज का खरीदा है और ये EYE का ग्लू है। अब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपको जो है ब्लैक ग्लू लेना चाहिए, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपको इसको पकड़ने के लिए प्लकर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सच में इसको पकड़ने की ज़रूरत होती है? क्या आपको सच में प्लकर की ज़रूरत होगी? आप पहले ग्लू खरीदोगे, आईलैशेस खरीदोगे, प्लकर खरीदोगे, फिर आपको ब्लैक ग्लू जो है बेसिकली आप ब्लैक ग्लू खरीदोगे, या इस तरीके की झंझट फेस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं गाइस। मैं यहाँ पर सिर्फ ये दो चीज़ें ले रही हूँ, एक है आईलैशेस, एक है ये ग्लू। ये आपको अंडर 100 रुपीज़ मिल जाएगा, 50 का ये है, 20 का ये है, ठीक है। वो चाहिए क्या? सिर्फ तीन चीज़ें, आई लैशेस, आई ग्लू एंड आपको चाहिए मिरर, जिसमें कि आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 2 आई लैशेस है, ये जो है इस आँख के लिए है, ये जो है इस आँख के लिए। आप जब भी बैठते हैं, अगर आपको आई लैशेस ऐसे देख के जो है आप मत निकालिए, ऐसे देख के निकालिए, और जो जिस आई जो है आइज़ के लिए ये है उधर ही आप अप्लाई कीजिए। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके जो है क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, आपको आई लैशेज़ कैसे निकालनी है। अगर ये आई लैशेज़ इस आइज़ के लिए है, तो आपको ये आई लैशेज़ इस तरीके से साइड, आपको ये पकड़ के नहीं निकालना, बिल्कुल नहीं। ऐसे करोगे आप तो आई लैशेज़ जो है आपकी ख़राब हो जाएंगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है, और ये जो साइड है ना, यू कैन सी, इस तरीके से निकालनी है आई लैशेज़, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है आई लैशेज़ को निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, इस होप आपको दिख रहा हो, कुछ भी बोलती हूँ मैं, तो इस तरीके से निकालना है, ठीक है। आपको ये ग्लू लेना है, नॉर्मली आप ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी पतली से स्टिक से लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है निकाल लूँगी और आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से जो है आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, याद रखिए आपको पलकों पे नहीं लगाना। एक और चीज़, अगर आपकी आईज़ बड़ी हैं और आप बड़ा जो है आईलैश लगाने में कंफर्टेबल हो तो लगा सकते हो, क्योंकि मेरी आईज़ जो है बड़ी हैं और ये पूरा फिट आ जाता है मेरी आईलैश जो है आईज़ पे, तो मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा है जो आप यूट्यूब की वीडियोस देख के, अगर आपकी आईज़ जो है बड़ी हैं और आप कट करके लगाते हो, ऐसा मैंने भी बेवकूफ़ी की है एक दो वीडियो में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो इसको जो है 2 मिनट के लिए आप छोड़ दो, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के लिए छोड़ दो, और इसको जो है ये जो आपने ग्लू लगाया है उसको थोड़ा सा उस पर स्टिक होने दो, जिससे कि आप जब आई लैशेज अप्लाई करोगे आपको ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने फिंगर से पकड़ रखा है, कोई प्लकर से नहीं पकड़ रखा है, मैं उसे यूज़ नहीं करती और ऐसे ही लगाती हूँ। बहुत ईजी आसान तरीके से लग जाता है, 2-4 बार इस तरीके से फूक मार के ड्राई कर लेते हैं। मिरर लेना है, मैंने यहाँ पर ले लिया है, और आपको नीचे देखना है, कहाँ नीचे देखोगे ना, एकदम नीचे देखना आपको, मिरर नीचे साइड में कर लीजिए बेसिकली, और आपको नीचे देखते हुए आपको सेंटर आईज़ के आई लैशेज को सेंटर में रख देना है। इस तरीके से मैंने सेंटर में रखा, आपको दिख रहा। उसके बाद से क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने आई लैशेज के ऊपर इसे लगाना है। तो देखिए मैं हाथ से लगा रही हूँ, इसलिए आपको हाथ आ जा रहा है कैमरे में। तो आप जब नीचे देखेंगे ना, इस तरीके से देख के, और इसको भी जो है सेट होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़िए। आप अगर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ते हैं, आपकी आई लैशेज ये जो है परफेक्टली सेट हो जाएंगी। तो ये जो है अभी सेट नहीं हुई है, मैं इसको जो है इधर उधर कर सकती हूँ अभी।
तो दूसरी वाली को भी जो है हम इस तरीके से निकालेंगे। आपको जो है इसके ऊपर साइड में पकड़ के निकालना है, आप नीचे साइड में बिल्कुल भी मत पकड़िए। और निकालने के बाद जो है इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, देखिए इस तरीके से। अच्छा, मैं इसे रीयूज़ कर रही हूँ, मैंने जो है पहले यूज़ में कर चुकी हूँ इसे, मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ। और आपको जो है फेंकने की तुरंत ज़रूरत नहीं होगी, आप अच्छे से इसे क्लीन करके इसका ग्लू निकाल के रख देंगे, वापस से वैसे ही लगा देंगे ना, तो आप इसे 2 से 3 बार आराम से यूज़ कर पाएंगे। सो आप इसे कई बार जो है यूज़ कर पाएंगे। सो देखिए मैंने ग्लू लगा लिया है, आपको दिख रहा हो, बहुत हल्का जो है ड्राई होने देते हैं ताकि आप जब लगाओगे ना तो आपकी आइज़ पे अच्छे से आ जाएँ। तो चलिए इसे भी जो है मैं अप्लाई कर लूँगी, और इसे भी जो है मैं इस तरीके से यू नो सेंटर में रखूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने सेंटर में रखा है, एंड उसके बाद से जो है इस तरीके से आपको फिक्स करना है। तो इस तरीके से जो है आपको, सो जब लग जाता है ना इसको, इस तरीके से हल्का हल्का आपको पुश करना है, और कहीं से जो गलत है तो इस तरीके से पुश करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया, और आप देख सकते हो इसके ऊपर आप जो है आईलाइनर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे ना तो ये आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने जो है कुछ लगाया हुआ है। सो अति इजी है, बहुत सिंपल है, करती हूँ आपको ये समझ आया हो, आप इसे अच्छे से लगा पाएंगे। अगर यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर इसको लेके आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊँगी कि आपको और जो है और कोशिश करूँगी और इजी वे से बताऊँ, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, बहुत इजी है, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।